अरे भैया इधर इधर इधर। अरे यार अजीब आदमी हो, खुले दरवाजे में बेल बजा रहे हो। ऐसा करो अपने मालिक को बुला लो। अच्छा मालिक को? अरे मालिक तो हम ही हैं। मालिक आप हैं? गलती हो गई, माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी भाई साहब। आपका है क्या सॉरी? हम आपको पहचान नहीं पाए। नौकर समझ रहे हो, बोलो क्या काम है। वो कहा है ना कि हम चंदा लेने आए हैं। अच्छा चंदा लेने आए हो, रुको। चंदा? अरे देखो कोई तुमको लेने आया है। पति हो? किसके? अरे जिसे तुम लेने आए हो। अरे भाई। भाई हो? कौन पति, कैसा पति, किसका भाई? अरे जिसको तुम लेने आए हो। हम जो है ना चंदा मांगने आए हैं। लेने आए हो, मांगने आए हो, एक ही बात है। वैसे भी चंदा हमारी नौकरानी है, उसका हाथ चाहिए तो उसके घर जाओ, उसके बाप से मांगो। हम किसी का हाथ क्यों मांगने जाएंगे? देखिए आपको हम समझाते हैं, हम जो है ना चंदा मांगने आए हैं। हाथ पर जो रखते हैं वो चंदा। अच्छा लेकिन चंदा इतनी छोटी थोड़ी जो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, मामा हो क्या उसके? अबे किसके? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गूर के। अरे भाई हम उस चंदा की बात नहीं कर रहे हैं ना इस चंदा का। तीसरा चंदा होता है ना, वो तीसरा चंदा मांगने आए हैं। बोलने भी तो नहीं दे रहे हैं आप। भाई इन दो चंदा के अलावा हम किसी और चंदा को नहीं जानते, तुम कहीं और जाके देख लो। अरे भाई हम जिस चंदा की बात कर रहे हैं ना वो उसे कोई नहीं जानता। अरे जिसे कोई नहीं जानता उसे तुम ढूंढ क्यों रहे हो? जानता कोई नहीं है लेकिन सबको पता रहता है। जब सबको पता है तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो, किसी और से जाके पूछो ना। ना मैं उस चंदा को जानता हूँ ना मुझे उसके बारे में कुछ पता है। अरे भाई साहब हमें पागल बना रहे हैं ना। अरे भाई साहब आपका दिमाग हिला हुआ है क्या? हम या तो उस चंदा को जानते हैं या इस चंदा को जानते हैं, इसके अलावा हम किसी चंदा को नहीं जानते। अरे भाई ना जानते हैं और ना हमको कुछ पता है। आपको चंदा के बारे में सब कुछ पता है, आप जानबूझकर हमें पागल बना रहे हैं। वो यहाँ नहीं है बस। ठीक है भाई साहब उस चंदा के बारे में नहीं जानते ना तो हम बताते हैं, हम आपको बताते हैं। हमको नहीं सुनना है आपका बकवास, आपको जिस चंदा का तलाश है वो यहाँ नहीं है। अरे भाई साहब हमको किसी चंदा की तलाश नहीं है, बस हम चंदा लेने आए हैं। यार फिर वही बात। अरे भाई मुझे चंदा की तलाश भी नहीं और तू चंदा लेने भी आया है। अरे यार उफ़ो, आप एक तो बोलने नहीं दे रहे हैं। क्यों बोलने दे, मेरा घर मेरा दरवाजा तुझे क्यों बोलने दे? जब खुद ही बोलना था तो क्यों बहस कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे हमसे? क्योंकि आपने बेल बजाया था, खुले दरवाजे में बेल बजा दी। क्या बिजली का बिल नहीं आता है क्या? अरे क्या बिजली का बिल, बिजली का बिल हल्ला किए हुए हैं। थोड़ा सा बेल बजा देने से, ऐसे ऐसे बेल बजाने से कितना बिजली का बिल उठ जाएगा है? हम दिमाग खराब करके रख दिया है। जितना भी आएगा भरना तो मुझे ही पड़ेगा, आप थोड़ी ना भरेंगे। भरना तो मुझे ही पड़ेगा है? अरे चंदा मांग करके बिजली का बिल भरते हो क्या? ऐसा ही चंदा मांग के बिल भरते हैं, तुझे कोई दिक्कत है? पकड़े गए। हम जान बूझ करके ये बात बोले थे, यानी कि तीसरा चंदा के बारे में तुम जानते हो। जानते हो ना, तुम्हारा शक्ल देख के ही पता चल गया कि अपने जिंदगी में ना जाने कितना चंदा काटे होगे और चंदा काट काट करके बिल भरे होगे। ओह तो तुम बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांग रहे हो? हम बिजली बिल भरने के लिए चंदा नहीं मांग रहे हैं। ऐसा है कि अपने मोहल्ले में एक प्रोग्राम करा रहे हैं, उसके लिए चंदा मांग रहे हैं भैया। ओह अब समझे, मोहल्ला में जो प्रोग्राम हो रहा है उसका बिजली का बिल भरने के लिए तुम चंदा मांग रहे हो। प्रोग्राम के लिए बिजली बिल भरने के लिए चंदा नहीं मांग रहे हैं, उसके लिए तो हम इंतजाम किए हुए हैं रॉयल टेंट हाउस बुक कर करके, वहां से भी जनरेटर आ जाएगा। अरे हम उस कार्यक्रम के लिए, उस प्रोग्राम के लिए चंदा मांग रहे हैं। जब वहां जनरेटर लगा रहे हो तो फिर किसका बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांग रहे हो? अरे यार मेरा बात को समझो। अरे उस कार्यक्रम में लोग आएंगे, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना होगा ना है? लोग आएंगे खाएंगे पिएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए ना, बस उसी के लिए चंदा मांग रहे हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम करना, अब पैसा हम देंगे? अरे यार गरीब आदमी खाना खाएगा दुआएं देगा। ओ पैसा हम दे, खाना वो खाए, दुआएं तुमको दे है ना? दुआएं अकेले हमको देंगे? अरे आप पैसा दीजिएगा,
हाँ, तो आपको भी दुआएं लगेगी ना। अरे तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि पैसा हमने दिया उनके खाने का? अरे मेरे बाप, इस पर्ची पे आपका नाम लिखेंगे, आपका नाम वहाँ जाएगा कमिटी में। मतलब पर्ची पे मेरा नाम रहेगा तो उनको पता लग जाएगा कि खाना मेरे पैसे का है। हाँ, इस मोहल्ले में हमारे नाम का 4 आदमी है, अब उनको कैसे पता लगेगा कि पैसा दिया वो हमें? अरे चाचा, एड्रेस भी रहेगा इस पर्ची के नीचे, समझ में आई? ओहो, अब समझ गए। वो खाना लेके मेरे घर पे आएंगे, डोरबेल बजाएंगे, हम दरवाजा खोलेंगे और वो उनको कहेंगे थैंक यू। अरे मेरे बाप, अरे क्या हाल बना दिया रे। अरे भाई, वो यहाँ क्यों आएंगे? तुम क्यों आए हो? अरे हम चंदा लेने। चंदा लेने? हम चंदा लेने आए हैं, चंदा। चुप खालो यार। अच्छा अच्छा अच्छा, देते हैं हम चंदा। मोबाइल है? हाँ हाँ है मोबाइल। पैसा है मोबाइल में? हाँ है। एक बार मोबाइल निकालो। है मोबाइल, ये लिए। मोबाइल बड़ा महंगा है, चंदा से लिए हो का? अरे यार भाई साहब, आप तो एकदम। अच्छा ठीक है, आप मोबाइल से मेरा फोटो खींचिए, बाजार से वो प्रिंट आउट निकाल के लाइए, तब तक हम चंदा का पैसा लेके आते हैं। प्रिंट आउट क्यों? अब फोटो का प्रिंट आउट जो है ना, पर्ची के ऊपर लगा देना ताकि लोगों को पता चले कि पैसा हमने दिया है। एकदम बेवकूफ आदमी हो क्या है? शकल से तो नहीं लग रहा है कि तुम 11 रुपए से ज्यादा चंदा दे सकते हो, है? और ऊपर से हम जाए प्रिंट आउट करवाए, 40-50 रुपया खर्चा कर दे तो मांग ले चंदा, हो गया चंदा हमारा, है? नहीं चाहिए चंदा हमको। तब अच्छा ले, ला दे, सुन तो ले। अच्छा भाई, आलू पूरी तो बनेगा ना भंडारे में? क्यों, किस लिए? खाने आएंगे ना। भंडारा चला है क्या? भक, चंदा दिया नहीं है और खाने चला आएगा? यहाँ साले मालिक सैलरी नहीं दे रहा, इनको चंदा चाहिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए।